इस वेले दी अहम खबर, पंजाब दे एक होर सरकारी स्कूल दे विचों अज करोना पॉजिटिव बच्चे सामने आ गए ने। लगातार जिद्दन दे स्कूल खुले ने उस दिन तो कई जगह दे उपर स्कूली बच्चे करोना पॉजिटिव आए ने। इसे विचाले अज अजनाला दे एक सरकारी स्कूल दे 8 बच्चे करोना पॉजिटिव पाए गए ने। मापे लगातार शंके दे विच ने कि बच्चों स्कूल भेजिए या ना भेजिए। हुण लंबे समय के बाद जो स्कूल खुले ने 2 अगस्त तो उहदे बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया कि स्कूली बच्चे करोना पॉजिटिव आ रहे हैं। पहला लुधियाना दे विच इक्को दिन अंदर 20 बच्चे करोना पॉजिटिव पाए गए ते दोवें स्कूल बंद कर दिते गए 2 हफ्तों के वास्ते। उहदे बाद हुशियारपुर दे विच भी जिहा मामला सामने आया ते अज अजनाला दे विच भी एक सरकारी स्कूल दे 8 बच्चे करोना पॉजिटिव आ गए ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां अजनाला दे उस सरकारी स्कूल दियां जिथे यह सैंपलिंग की गई, जदों तां 8 बच्चों की करोना वायरस की टैसट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अजनाला का ये सरकारी सीनियर कन्या स्कूल है जिथे बच्चियां करोना पॉजिटिव आईया ने। 8 बच्चियों की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव पाई गई है। तमाम जो स्टाफ है उन्होंने भी सैंपल ले गए तो इन्हों 8 बच्चों के सैंपल पॉजिटिव आए ने, जिदे बाद स्कूल 2 हफ्तों के वास्ते यानी 14 दिनों के वास्ते सस्पेंड कर दिता गया है, बंद कर दिता गया है। तो होर भी सैंपलिंग की जा रही है। सख्त आदेश तो सरकार ने जारी किए ही हुए ने, नियम दसे गए ने कि किवें पूरे करोना प्रोटोकॉल की पालना करके ही स्कूलों के पढ़ाई कराई जानी है। ये रोज़ाना वड्डी हज़ारां गिनती दे विच टैस्ट करन दे हुक्म भी पंजाब सरकार ने दिते हुए ने। लेकिन मंग ये भी हो रही है कि स्कूल बंद कर दिते जान। सवाल असं भी तुहानूं रोज़ पूछ रहे हैं कि सरकार नूं स्कूल बंद कर देने चाहिए ने जिहो जे हालात बने हुए ने, क्योंकि ये तो है कि लंबे समय के बाद स्कूल खुले ने, पढ़ाई का नुकसान तो हुंदा है लेकिन जान तो वध तां पढ़ाई नहीं हो सकती। इसे लिए जो मापे ने वड्डी गिणती च अजिहे मापे भी ने जो हाले तक बच्चों नूं स्कूल भेजना ही नहीं चाहते सन या भेज ही नहीं रहे, जो भेज रहे हैं तो उत्थे कई स्कूलों के विचों जो करोना के मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने लगातार लोगों को डरा दिता है एक बार फिर तो कि जिवें कहा जा रहा है कि तीजी लहर आने वाली है, मुड़ तो नवे मामलों के इजाफा होने लगे है। तो पंजाब दे विच स्कूलों के अंदरों ही बच्चे करोना पॉजिटिव सामने आने लगे ने। पहला लुधियाना फिर हुशियारपुर तो अज अजनाला दे विच ये स्कूल है जिथों दियां 8 बच्चियां करोना पॉजिटिव आईयां ने। इहदे बाद स्कूल नूं तस्वीरां दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके दे नाल छुट्टी कर दित्ती गई, इत्थे सारिआं नूं घरे भेज दित्ता गया, सैंपल वड्डी गिणती च इत्थे लए गए ने, चाहे अध्यापक होण चाहे बच्चे होण उहनां दे, ते उहनां नूं घरां नूं भेजिआ गया। 2 हफ्ते दे वास्ते स्कूल नूं सस्पेंड कर दित्ता गया कि 2 हफ्ते दे बाद हुण दुबारा स्कूल शुरू हो सकेगा। फिलहाल इत्थे छुट्टी कर दित्ती गई है। जिहो जे हालात बने हुए ने पंजाब भर दे विच मुड़ तों नवें मामले सामने आने लगे ने, ते बच्चियां दे विच करोना वायरस दियां रिपोर्टां पॉजिटिव आने लगे ने। अहम गल इत्थे इह वी है कि कोई खास लक्षण दिखाई नहीं दिंदा बच्चियां दे विच, जिवें कि मौसम चेंज हो रहा, सर्दी जुकाम तां हर दूजे तीजे बंदे नूं प्रभावित करदा ही। इसे विचाले कोई खास लक्षण बच्चियां च दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जदों उहनां दे सैंपल ले जाते हैं तो उहदे विचों कुछ दी रिपोर्ट पॉजिटिव जरूर आ जाती है। घबराण की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतन की लोड़ है इस वक्त। तो नाल दी नाल पहला लोग मंग कर रहे सन, कई लीडर भी अपने मुँह कह चुके हैं कि स्कूल अजिहे हालातों के बंद हो जाने चाहिए ने, जो बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाया जा सके। दस दी कि 2 अगस्त तो ही सारिया क्लासा के वास्ते स्कूल खुले ने, तो बाद कुछ दिन मगरों ही लुधियाना के सब तो पहला स्कूलों के बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 स्कूलों के 20 बच्चे पॉजिटिव आ गए सन। उसके बाद हुशियारपुर के टांडा के भी बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अज अजनाला के इक्को स्कूल दियां 8 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिदे बाद फिलहाल ये स्कूल 2 हफ्तों के वास्ते सस्पेंड कर दिता गया है। तो लोगों एहतियात बरतन की अपील की गई है। जो सैंपलिंग है टैसटिंग है उसमें लगातार वधाण के हुक्म पंजाब सरकार ने दिते हुए ने, ते नाल दे नाल जिथों बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं उन्होंने स्कूलों सस्पेंड भी किया जा रही है। होर अपडेट्स लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल।